के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर चालान भी किए गए। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन की समय अवधि भी बढ़ाकर 10 मई तक कर दी है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। मथुरा के भरतपुर गेट, चौराहे, चौक बाजार, डीग गेट, होली गेट आदि जगहों पर पुलिस टीम के साथ सीओ सिटी वरुण कुमार सिंह व एसडीएम राजीव उपाध्याय ने चेकिंग अभियान चलाकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ चालान किए और कार्यवाही की। बता दें कि पुलिस व प्रशासन की इस कार्यवाही से दुकानदार अपनी अपनी दुकानों के शटर गिराकर भागने लगे। वहीं सीओ सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि आगे भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए इस तरह के चेकिंग अभियान चलाए जाएंगे और लोगों के चालान भी किए गए। अंकुश वर्मा, मथुरा, समाचार 24। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 10 मई की प्रातः सुबह 7 बजे तक आंशिक कर्फ्यू की घोषणा शासन द्वारा कर दी गई है। इसमें आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित अन्य सभी प्रकार के आवागमन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। 11 बजे के बाद विशेषकर सभी प्रकार के आवागमन जो है उनको प्रतिबंधित कर दिया गया है। केवल दवाइयों से संबंधित और मरीजों के इलाज से संबंधित आवागमन को अनुमति दी गई है। इसके क्रम में हमारे और एसडीएम साहब द्वारा पूरे शहर के विभिन्न बैरियरों पर लगातार चेकिंग की जा रही है और किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि अनावश्यक घूमने की शिकायतें आ रही हैं तो उसके जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा और एसडीएम साहब के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, लगातार हम लोग गाड़ियों का चालान कर रहे हैं, सीज कर रहे हैं और बिना मास्क के भी चालान कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कुछ लोगों को उन लोगों को मास्क खरीदवा करके उन लोगों को पहनवाए तक भी गए हैं। अधिक से अधिक हम लोगों का प्रयास ये है कि मथुरा की जनता सुरक्षित रहे और कोरोना की इस लड़ाई में हम सभी लोग मिलजुल कर एकजुट होकर के लड़ें। ये 10 तारीख को सुबह 7 बजे तक आदेश जारी हुआ है तो वो प्रतिदिन प्रभावी होगा। जो दुकानें मतलब 6 से 11 खुलनी हैं वो यथावत खुलेंगी और जो प्रतिबंधित हैं वो नहीं खुलेंगी। सर, इस महामारी में आम जनमानस से क्या अपील करना चाहेंगे? अरे, हम अपील करना चाहेंगे मास्क पहनकर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। तमाम मेडिकल स्टोर के स्वामियों पर भी 1,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। 52 दुकानदारों पर ये लगातार इसलिए लगाया जा रहा है कि कम से कम उसमें जागृति आए। डेंजर जोन में दवाई की जगह पर बैठ करके वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो जो मास्क नहीं लगाएगा, आज भी 55 लोगों पर 1,000 रुपये जुर्माना हुआ है। इंस्पेक्टर साहब और सीओ साहब, हम सभी लोग इस समय भरतपुर गेट पर मौजूद हैं। निराधार, निरर्थक, बिना वैध कागजात के और हेलमेट के फर्राटा भरते वाहनों के लगातार चालान किए जा रहे हैं। लगातार पुलिस और प्रशासन मिलकर कार्रवाई कर रहा है। एक मामला देखने को मिल रहा है, कपड़ों की दुकान में लोगों को शटर बंद करके प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। अगर प्रकाश में आएगा तो महामारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। सर, देखने में आया है लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, कालाबाजारी के चलते जो सामान है उनके चीजों के रेट जो है आसमान छू रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? कालाबाजारी का भी कोई मामला नहीं आया है। कालाबाजारी का अगर मामला आएगा तो नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।